नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन की तारीख अब करीब आ रही है। माना जा रहा है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में मेगा ऑक्शन का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 8 पुरानी टीमों ने अपने सभी खिलाड़ी रिटेन कर लें जिनको उनको करना था, बाकी खिलाड़ी रिलीज हो गए हैं। अब लखनऊ और अहमदाबाद यानी कि दो नई टीमें इन रिलीज किए गए खिलाड़ियों में से कोई भी 3 खिलाड़ी चुनेंगी और बाकी जो बचेंगे खिलाड़ी इसके बाद वो सीधे ऑक्शन में चले जाएंगे। इस बार कुछ नए खिलाड़ी भी मैं आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, लेकिन इस बार मेगा ऑक्शन कुछ खास होने वाला है। जिस तरह से टीमों ने तैयारी की है उससे लगता है कि इस बार आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े अभी के अभी हमारे चैनल एनएन स्पोर्ट्स को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। जो घंटी दिख रही है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आते रहें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आईपीएल के इतिहास की बात करें तो अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस हैं। उन्हें पिछले ही साल राजस्थान रॉयल्स ने 16.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। हालांकि भी अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने एक नया कीर्तिमान जरूर रच दिया था। कई बार तो आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी जो बिका था यानी कि क्रिस मॉरिस की हम बात कर रहे हैं, वो प्लेइंग 11 में भी शामिल नहीं हुए थे। इससे पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के नाम था, जिन्हें 2015 में दिल्ली डेयर डेविल्स ने अपनी टीम में शामिल किया था। हालांकि वो टीम अब बदल करके उस टीम का नाम दिल्ली कैपिटल्स हो गया है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ये दोनों ही रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि पहले टीमों के पर्स में जो टोटल रकम हुआ करती थी वो 85 करोड़ रुपए हुआ करती थी, लेकिन इस बार 90 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने तय किया है कि हर टीम के पर्स में 90 करोड़ रुपए डाले जाएंगे, यानी कि 5 करोड़ रुपए की सीधी सीधी बढ़ोतरी हो गई है। इससे भी ये संभावना जताई जा रही है कि इस बार आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी हमें मिल सकता है। इस बार कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को टीमों ने रिलीज भी किया है, क्योंकि वे केवल 4 ही खिलाड़ी रिटेन कर सकते थे। इसमें केएल राहुल, डेविड वार्नर, राशिद खान, युजवेंद्र चहल, शिखर धवन जैसे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। कुछ खिलाड़ी इस साल ऐसे भी हैं जो इसलिए रिटेन नहीं हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि जितनी कीमत पर वो अपनी टीम के लिए रिटेन हो रहे हैं उससे ज़्यादा कीमत उनको ऑक्शन में जाएंगे, क्योंकि ये मेगा ऑक्शन है और वो अगर ऑक्शन में जाएंगे तो फिर उनको इससे ज़्यादा कीमत मिल सकती है। ऐसा सोचना उनका ठीक भी लगता है। और ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज़्यादा महंगा बिक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि ऑक्शन का सबसे महंगा खिलाड़ी इस साल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें कम से कम 31 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये वो तारीख है जब दो नई टीमें, लखनऊ और अहमदाबाद की टीमें हैं, वो 3-3 खिलाड़ी चुन लेंगे और उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि कौन कौन से खिलाड़ी ऑक्शन के मैदान में जाने वाले हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी हमको मिलने वाला है, या फिर उससे जो 16.5 करोड़ रुपए क्रिस मॉरिस को दिए गए थे उससे कम में ही सारे खिलाड़ी बिक जाएंगे? आप अपनी बात हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आपको जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एनएन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी देरी मत कीजिए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नया वीडियो लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।